राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लगता है तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। यूनिक एकेडमी कंप्यूटर एंड कोचिंग क्लासेस, जहां नर्सरी और जूनियर सीनियर केजी क्लासेस से लेकर 11वीं और 12वीं जमातों के लिए कोचिंग क्लासेस जारी हैं। यूनिक एकेडमी में ऑडियो और वीडियो स्क्रीन का इंतजाम भी किया गया है। 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात की स्पेशल क्लासेस भी जारी हैं। उर्दू, इंग्लिश, मराठी और मैथ्स की बेसिक क्लासेस भी जारी हैं। लड़कियों के लिए बिल्कुल सेपरेट क्लासरूम यूनिक एकेडमी में अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। हमारा पता याद रखिए, शहीद अब्दुल हमीद कुसुम्बा रोड, नेहल नगर पुलिस स्टेशन के सामने मालेगांव। आज इससे पहले मैं मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के साथ था, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से बार बार बेइत्तनाई और धोखेबाजी के सबब मैंने उन पर तनकीदे शुरू की, तो उनके लोगों ने मुझ पर जानलेवा हमला किया। उस हिसाब से मैं सियासत में हमेशा गुंडागर्दी के खिलाफ रहा हूँ और शहर की तामीर और तरक्की के लिए आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतरीन मंसूबा रखने वाले आसिफ शेख रशीद का साथ इंशाअल्लाह हम यहाँ से हमेशा दूंगा। अच्छाई और बुराई की बात हो रही है शहर में, अच्छाई और बुराई पर चुनाव हो रहा है, कैसे देखते हैं आप? अच्छाई और बुराई की बात तो मैं इस तरीके ये कहना चाहूँगा कि अभी मैदान हश्र नहीं लगा है, यहाँ पर इलेक्शन हो रहा है। अच्छाई और बुराई का फैसला अल्लाह पाक हश्र के मैदान में करेंगे। शहर में जब भी चुनाव आता है तो दो बातें सबसे ज्यादा आम हो जाती है, बिरादरी बात, दखनी और अंसारी की सियासत मालेगांव शहर में उरूज पकड़ लेती है, आप कैसे देखते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में जो फरमाया था कि किसी काले को किसी गोरे पर कोई फौकियत नहीं, किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फौकियत नहीं, तो इस बात पर सबको अमल करना चाहिए। सबसे पहले शहर में इस इलेक्शन में बिरादरीवाद का फितना अंसारी वोटों को काटने के नाम पर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने हज हाउस में दिलावर हॉल में ये जुमला निकाला था, तब से शहर का इलेक्शन बिरादरीवाद पे दीगर जो से उनके साथी हैं बार बार अजबियत परस्ती का हवाला देते हैं और शहर को कौम को तकसीम करने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से नशे की बात मतलब हर स्टेट से की जा रही है कि नशा बढ़ गया है, नशा बढ़ गया है, क्या 5 सालों में इस नशे के खिलाफ कोई मुहिम चलाई गई है? सबसे ज्यादा नशे के खिलाफ आवाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के स्टेज से उठाई जा रही है, ये बोल करके कि हमारे मुखालिफ यानी इनडायरेक्टली नाम ना लेते हुए हम लोगों का नाम लेकर नशा को बढ़ावा देने का काम करने की बात की जा रही। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की तरफ से ये बोलना कि 5 सालों में शहर का नशे का कारोबार बढ़ गया, ये कहीं ना कहीं पुलिस इंतजामिया पर भी सवाल ये निशान है, क्योंकि इन लीगल एक्टिविटी और इन लीगल कारोबार को रोकना पुलिस का काम है और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब पुलिस पर इल्जाम लगा रहे हैं, वो किसी मुखालिफ पर इल्जाम नहीं लगा रहे, तो लिहाजा पुलिस इंतजामिया को इस जानिब भी ध्यान देना चाहिए। सारी बुराई है तो सामने मुखालिफ पार्टी के अंदर जो कैसे कैसे लोगों को अपने स्टेज पर लेकर आ रहे हैं और जो दौरा करा रहे हैं उनमें क्या कोई साबुत लोग हैं क्या? सारे खपाड़ी लोग दौरा कर रहे हैं उनके साथ, सच्चाई तो हमारे अंदर है, शेख आसिफ के अंदर, और इंशाल्लाह हम जीत के आएंगे। इस्माइल भाई, हम देखते हैं कि सियासत जब भी मालेगांव शहर में गरमाती है तो सबसे ज्यादा सियासत बिरादरीवाद पर होती है, लेकिन इस बार बिरादरीवाद के आड़ में अच्छाई और बुराई की बात हो रही है, आप दोनों पर क्या कहेंगे, बिरादरीवाद और अच्छाई और बुराई? अच्छाई की तो हमेशा जीत हुई है और आइंदा भी जीत होंगी और इंशाल्लाह आसिफ साहब लाखों की तादाद से चुन कर आएंगे। और हम लोग जो है काम की बिना पर आसिफ साहब को वोट दे रहे हैं, क्योंकि मालेगांव में जो है आसिफ साहब का काम जमीन पर दिखता हुआ है, ये ब्रिज का काम देख रहे हैं आप, जितने भी उर्दू सेंटर है आसिफ साहब का जितने बड़े बड़े वो जमीन पर दिख रहे हैं, वो आदमी खराब नहीं है। ठीक है, फारूक भाई क्या कहना चाहेंगे आप? आज अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव शहर में पहली बार हम लोग देख रहे हैं जिंदा दिली की मिसाल है, शेख आसिफ साहब की एक छोटी नोटिस पे हजारों का मजमा जमा हो जाना और लोगों के अंदर एक उत्साह है कि कब 20 तारीख आए और हम हजारों की तादाद में वोट दें। अच्छाई और बुराई पे बात हो रही है, अच्छाई और बुराई पे हो रही, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो आज यहाँ पर मैसेज नहीं देना चाहूंगा, लेकिन अपने शहर में कुछ महीने पहले एक बड़ी एमपी पकड़े गई थी, वो किसके लोग थे उसकी आज स्टेट में कभी वो बात की जाए, और अच्छाई बुराई बोलने वाले वो किसके साथ मुखालिफ थे
ये मालूमात लेना चाहिए। और ये शहर देख रहा था जब तनों से एमपी पकड़े गई थी, वो कौन से लोग थे, किसके साथ थे, अच्छाई और बुराई के नारे देने वाले। बुरे में जो है मुफ्ती साहब कली दिखने में अच्छे है, दाढ़ी है, मौलाना है, बाकी सही काम करने में ठीक आते हैं। 10 साल में उन्होंने कुछ काम करे नहीं। तरक्की में उनका सबसे बड़ा हाथ है और आगे भविष्य में भी बहुत बड़ा हाथ रहेगा। नहीं, गांव की तरक्की कभी चाहते हैं तो शेख आसिफ को लाना है, बहुत जरूरी है। शेख आसिफ कोई जायपुर नहीं है, समझे। तीस महल को पहले भी हमने लाया थे, अभी भी लाया, कुछ कारोबार नहीं हुआ शहर के अंदर, ना कुछ काम हुआ। साल में उन्होंने कुछ काम नहीं करे, कोई महल्ले का काम नहीं करे, औरता लेडीज को गाले दे रहे, डिप्टी आसिफ साहब पे लगाए, हर चीज आसिफ साहब कर रहे हैं, नाम उनका हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अच्छा आदमी और सच्चा आदमी है, इसको ही वोट देने का और इसको ही जिताने का अगले टाइम में। शहर का जो अभी मिले वो खुद अच्छा होगा, शेख आसिफ को चुन के लाना है, बस इतना ही बोलना है। बोलिए असलम भाई, मालेगांव शहर के सभी सोशल वर्कर तो गायब हो गए, 5 साल सोशल वर्कर दिखते, इस बार सभी सोशल वर्कर किसी न किसी स्टेज के, किसी न किसी लीडर के स्टेज पर दिखाई दे रहे हैं। मैं जब से मुफ्ती साहब चुन कर आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आप पूरा शहर जानता है कि हम सोशल वर्किंग में थे, सिविल हॉस्पिटल के कुछ मामलात रहते थे, तो हम बिला झिझक कोई भी डॉक्टर से बातचीत करके हमारी बात मनवा लेते थे, क्योंकि अगर वो नहीं मानते थे तो हम खाली दाजी को फ़ोन करते थे, वो डॉक्टर को फ़ोन करके बोल देता था कि क्या मामला है, इनका हल करो। लेकिन जब से मुफ्ती साहब आए हैं तो हम सोशल वर्करों को डर लगने लगा है, क्योंकि हम लोगों को ऐसा लगता था ना कि जैसे अब हमारे पास ऊपर से सरपरस्ती चली गई है, तो हम लोगों ने कभी भी जोखिम करके फिर काम नहीं किया और बहुत कम यानी काम को तरजीह दी है। लेकिन इस बार हम शहर से अपील करते हैं कि इस बार आसिफ साहब को मौका दे, ताकि हम जैसे सोशल वर्कर खुलकर आवाम की खिदमत कर सके, क्योंकि खालिद हाजी, शेख आसिफ, ये खानवादे का हम सोशल वर्करों के सर पर हाथ होता है, इनका सपोर्ट होता है ना, तो हम कुछ भी कर जाते हैं, कहीं भी घुसकर पढ़ा देते हैं, किसी को भी बोल देते हैं, थोड़ा सी ऊंच नीच भी बोल देते हैं, वो भी हमको बोल देते हैं। तो मैं शहर से अपील करूंगा कि एक बार हमारे आसिफ साहब को फिर मौका दें, और हम जैसे लोग जैसे ब्लड डोनर तो हम लोगों की भी इन्हें वो होती है, हौसला अफजाई होती है। अच्छाई और बुराई पर चुनाव हो रहा है, अच्छाई और बुराई कैसे देखते हैं आप, कौन अच्छा कौन बुरा? आसिफ साहब ही हमारे हैं। देखो आसिफ साहब काम बता रहे हैं कि मैंने ये किया, मैं उर्दू घर बनाया, तुम अच्छे थे ना, तुम चालू करवा देते ना। शेख आसिफ ने, आसिफ साहब ने उर्दू घर बनाया, तुम अच्छे थे, चालू कर देते। शेख आसिफ साहब ने ये ब्रिज बनवाया, तुम अच्छे थे, चालू करवा देते। रेल स्टेशन आसिफ साहब ने बनवाया, कुछ दिन चला, तुम उसको अच्छे से आबाद कर देते। तुमने कोई नुमाइंदगी नहीं की है, साहब ने 5 साल कोई नुमाइंदगी नहीं की, कोई नुमाइंदगी नहीं है। तो जो हर चीज की अपनी जगह है, जो आदमी कुर्सी का उसको कुर्सी पे रखे, जो आदमी मुसल्ले पे उसको मुसल्ले पे। एक नंबर। क्यों खड़े हैं आप लोग यहाँ? क्या कहना चाहेंगे आप मालेगांव शहर की आवाम से? आसिफ शेख आज यहाँ पर पर्चा भरने के लिए निकले हुए हैं। आज हम आसिफ शेख का नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए जा रहे हैं। मैं मालेगांव शहरियान से अपील करती हूँ कि इस मर्तबा सच्चाई का साथ दो। आप लोगों ने 5 साल में झूठों को भी देखा और आज भी झूठी बातें स्टेज से की जा रही है, जो नाजेबा कलमात उनके स्टेज से जो वो शहरियान के सामने है जो कहे जा रहे हैं। आप लोगों को सच्चाई का साथ देना है और इस मर्तबा एक मजबूत लीडर को, एक मजबूत उम्मीदवार को ये असेंबली हाउस में पहुंचाना है, ताकि मालेगांव शहर की ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाला एक मजबूत मुसलमानों का लीडर वहां पर पहुंचना चाहिए। इसलिए मालेगांव शहर के मुसलमानों से और मालेगांव शहर की आवाम से कहना चाहती हूँ कि इस मर्तबा किसी के बहकावे में ना आते हुए आप लोगों को आसिफ शेख की जीत को यकीनी बनाना। मालेगांव शहर का ये इलेक्शन क्या लीडरशिप चुनने का इलेक्शन है? शेख रशीद अब इस दुनिया में नहीं है। ये आज ये मालेगांव शहर का ये इलेक्शन
एक लीडरशिप चुनने का ही इलेक्शन है, क्योंकि लीडर की जो कुर्सी है वो खाली पड़ी हुई है। शेख रशीद साहब के चले जाने के बाद से मालेगांव शहर से लीडरशिप खत्म हो चुकी है। हमें उसको वापस लाने के लिए हमें आसिफ शेख को चुनना बहुत जरूरी है, एक मजबूत लीडर की शक्ल में। सिद्दीकी, जो MIM के तर्जुमान थे, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपके चैनल से सायरियान को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जो पीछे इंसानी सरों का समंदर देख रहे हो, ये एक तब्दीली की लहर है। ये अच्छाई और बुराई का ढकोसला लेकर चलने वालों के मुंह पर तमाचा है। आज शहर को तालीम, रोजगार और ख्वातीन के मसाइल की जरूरत है, और शहर का मौजूदा MLA अच्छाई और बुराई का नाम नेहाद ढकोसला लेकर चल रहा है। आज मैं शहर के MLA से सवाल करता हूं कि आपका मंसूर क्या है? पिछले मंसूर को आपने एक भी पाए तकमील तक मंसूर में किए गए वादों को पूरा नहीं किया, और आज तो मंसूर ही गायब है। वो उनके पीछे चलने वाले लोगों से मैं सवाल करता हूं कि आप उनसे सवाल करो कि शहर की तरक्याती कामों के लिए आपके पास क्या मंसूबे हैं, क्या क्या लाइए अमल तय किए हैं। आज शहर को तालीम याफ्ता बनाने के लिए आपने ITI कॉलेज, MBBS कॉलेज और देगर जो मजदूरों के मसाइल है और खातिन के जो मसाइल है उसके लिए क्या मेहनतें की, बुनकर लोगों के लिए क्या किए तुमने, और आज शहर का सबसे बड़ा तबका मजदूरों के लिए आपने क्या किए? असेंबली में उन लोगों के लिए आज तक एक भी आवाज़ नहीं उठाई। आज शहर में दुनिया भर के मसाइल है, लेकिन आपने मसाइल को छोड़कर अच्छाई और बुराई के नाम नया ढकोसले को लेकर लोगों के दरमियान जा रहे। महाराष्ट्र भर में हर उम्मीदवार अपने तरक्याती कामों को लेकर वोटरों के आगे वोट मांगने जा रहे, लेकिन मालेगांव शहर का मौजूदा MLA ही एक वाहिद ऐसा उम्मीदवार है जो अच्छाई और बुराई का नाम नया ढकोसला लेके शहरियान के दरमियान जा रहे, क्योंकि उनके पास कामों की लिस्ट नहीं है, उन्होंने काम ही नहीं किए। बस जो मसाइल है हम अपने तौर पर उड़ाते रहते हैं, लेकिन हमने अपनी यूनियन के मार्फत कई मरतबा इवन लॉकडाउन में भी मैंने वो ऑडियो रिकॉर्डिंग चलाया था कि जब हमने आज ठेकुदा आमदार को फोन किया कि भी मजदूर यहाँ पे परेशान है, तो उनका एक तारीखी जुमला है कि शहर का सेठ भी परेशान है। वो आज के आमदार को इतनी अक्ल होनी चाहिए, अगर ऐसे हाल में सेठ परेशान है तो मजदूर का क्या हाल होगा जो कि दिहाड़ी मजदूर है। लेकिन हमारे मौजूदा आमदार का यही नारा रहा है कि दो जुमले बोलकर मजदूर को और उसके परेशानियों को सबका मसला हल कर दो। अभी भी जो जलसे हो रहे हैं, सबसे बड़ी आबादी मालेगांव शहर में मजदूरों की है, लेकिन मजदूरों का नाम सियासी स्टेट से सुनाई नहीं दे रहा है। देखिए, मजदूरों का नाम सियासी स्टेट इसलिए सुनाई नहीं दे रहा है कि जो आज का मौजूदा MLA बैठा हुआ है वो मजदूरों के मुफाद में काम करना ही नहीं चाहता। आप उसके स्टेज को जूम करके देख लो कि वहाँ सरमायादारों की टीम बैठी रहती है। पांच साल बयान पर भी अगर आप गौर करेंगे तो वो सरमायादारों की ही हिमायत करते हैं। इवन उनके स्टेज पर एक ऐसा शख्स बैठा रहता है जो आए दिन मालेगांव शहर के कारखानों को बंद कराने का जिम्मेदार है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज से दस साल पहले आप देखोगे जब हमारे आसिफ साहब चुन कर आए थे तो उन्होंने मजदूरों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन देखने के लिए जिगर चाहिए और ऐलान हिमायत करने के लिए जिगर चाहिए जो आज के MLA में नहीं। रैली खलील दादा के बिना और शेख रशीद साहब के बिना निकाले, उसके बावजूद हजारों लोगों का आना कैसे देखते हैं आप? हजारों लोग का देना, ये आज जो है तो शेख रशीद साहब और शेख खलील साहब मरूम, इनकी मोहब्बत में इतने लोग आए हैं आज यहाँ पे, और शेख आसिफ को आज इससे ज्यादा वो वोट दिला के अपनों को इंशाल्लाह कामयाब करवाएंगे। इस इलेक्शन को आप कैसे मतलब जनता के बीच जाने वाले हैं, किन मुद्दों पर जाने वाले हैं, क्या होगा आपका मैनिफेस्टो? हमारा मेन मुद्दा यही रहेगा, गांव का विकास कैसे हो। हमने जो काम किए हम वो काम बताएंगे, और आगे इंशाल्लाह जो भी काम करेंगे वो मैनिफेस्टो के अंदर डाल के हम बताएंगे लोगों को कि हम लोग क्या क्या आगे काम करने वाले, क्या क्या जो है तो पूरे मालेगांव के अंदर काम करने वाले हैं, सब पूरा बताएंगे इंशाल्लाह। जिस तरीके से सियासी स्टेजों से इल्ज़ाम तराशियां आप लोगों पर लग रही है, अच्छाई और बुराई की बात हो रही है, आपको बुरा बताया जा रहा है, आप क्या कहेंगे? देखो, बताने वाले कुछ भी बताए लेकिन वो पूरा गांव जानता है हम लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं और हम कैसे अच्छे हैं या बुरे, पूरा गाँव जानता है।
आज अगर हम बुरे रहते थे तो हमारे साथ इतनी पब्लिक नहीं रहती थी यहाँ पे। वेरी गुड। चुनाव जब भी आता है शहर में बिरादरीवाद, जातिवाद और मसलक, इन सारी चीज़ों पर चुनाव शुरू हो जाता है। आप कैसे देखते हैं, आप कैसे चुनाव में जाने वाले हैं? हम जो है मालेगांव में जितनी बिरादरी है सबको साथ लेके चल रहे हैं, जितने मसलक है सबको साथ लेकर चल रहे हैं, और इंशाल्लाह सब बिरादरी सब मसलक हमारे साथ में, ये उसी की गर्दी है आज यहाँ पे। इमरान शेख भी हमारे साथ यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। इमरान शेख, बड़े दिनों के बाद वो कैमरे के सामने हमारे पास आए हुए हैं। मीटिंग कर दो क्या सभी कानून, हर एक धर्म, सारे दिन बोलेंगे।